हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का ये वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स, यानी कि जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं हम आज उनकी नेमिंग करने वाले हैं। अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको नेमिंग करवाई थी, आईयूपैक नेमिंग करवाई थी एल्केन्स की, एल्कीन्स की और एल्काइन्स की। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं साइक्लो एल्केन्स को कैसे नेमिंग करते हैं, साइक्लो एल्कीन्स की नेमिंग, साइक्लो एल्काइन्स की नेमिंग, मतलब जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उन सब की नेमिंग हम आज के इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आज के इस वीडियो लेक्चर पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जस्ट वीडियो के नीचे आपको मेरे चैनल का नेम दिखेगा और साथ में आप सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ आपको एक बेल आइकन देखेगी, मतलब देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो जैसे कि मैंने आपको बोला अभी हमने नेमिंग शुरू करनी है साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो सबसे पहले हम नेमिंग करने वाले हैं ऑफ साइक्लो एल्केन्स। हम नेमिंग करेंगे किसकी, साइक्लो एल्केन्स की। अब स्टूडेंट, साइक्लो कौन से कंपाउंड होते हैं या साइक्लिक कौन से कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर रिंग देखने को मिलती है। रिंग इन द सेंस भी वो ओपन चेन नहीं है, वो क्लोज चेन है। देखो जैसे ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहीं पर आकर ख़त्म हो रहा है ना। लेकिन ओपन चेन कौन से होते हैं, ओपन चेन जैसे ये हो गया, ये क्या है, ये ओपन चेन है और ये क्या है, क्लोज चेन है। समझ पा रहे हो डिफरेंस। तो हम ऐसे ही साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करने वाले हैं। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में फर्स्ट से सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था भी हम साइक्लिक और एसाइक्लिक में हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड करते हैं, तो आज हम साइक्लिक कंपाउंड्स में से साइक्लो एल्केन्स की नेमिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ ये है, अब साइक्लो एल्केन्स के अंदर मिनिमम कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं, मतलब जो सबसे छोटा मैं कहूँ इनके अंदर हम जो कंपाउंड बना सकते हैं उसके अंदर मिनिमम 3 कार्बन होने ज़रूरी हैं। कभी भी 2 कार्बन वाला जो है वो साइक्लिक रिंग नहीं बनाएगा, हमेशा मिनिमम 3 कार्बन से ही शुरू होती है साइक्लिक रिंग। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं, मिनिमम 3 कार्बन वाला ही बनाता है। ठीक है, 2 कार्बन वाला कभी नहीं बनाएगा। अब देखो 3 कार्बन वाला कैसे बनाएगा, जैसे ये है, आपको ये देखने को मिल रहा है, मैं इसको थोड़ा मोटा करके बनाती हूँ आपको और अच्छे से देखने को मिलेगा, सो सॉरी। ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, आपको मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन करवाई थी ना, बस वही होती है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या होता था, भाई हम कार्बन और हाइड्रोजन शो नहीं करते, सिर्फ स्ट्रक्चर शो करते हैं। इसका मतलब क्या, जो इसका ये मतलब ये है कॉर्नर, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, इसका मतलब क्या हो, अभी यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ कार्बन है। उसके बाद हम क्या कहते थे, अभी ये कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, और 2 ही बना सकता है। रीज़न, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, तो 2 बना लिए तो 2 बनाएगा, तो वो 2 हाइड्रोजन के साथ। सिमिलरली इसका, तो ये तो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन सीधा शो करूँ तो वो क्या होगी मेरी, ये होगी, मानते हो। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, 1, 2, 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट मैं कहूँ भी इसकी नेमिंग करके दिखाइए, ये साइक्लिक रिंग है। साइक्लिक क्या होता है, जो साइकिल बनाता है। साइकिल बेसिकली क्या होता है, मतलब अगर मैं आपसे बात करूँ, वो वाला साइकिल जो हम चलाते हैं उसकी याद नहीं कर रही। साइकिल क्या होता है, जहाँ से आप शुरू कर रहे हो वहीं पर आपका वापस आना है ना, तो जहाँ से आप शुरू कर रहे हो वहीं पर आपका वापस आना, दैट इज़ अ साइकिल। ये साइकिल फॉर्म नहीं करता, यहाँ से शुरू हो रहे हो लेकिन ये कंपाउंड इस कंपाउंड से अटैच नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी कंपाउंड के अगर हमें नेमिंग करनी है तो एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, वो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स भी आपको पता होना चाहिए, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, भी कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, दैट इज़ द वर्ड रूट। सेकेंड चीज़ क्या होती है, हम इस तरफ जब जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। पहले आता है प्राइमरी सफिक्स, पहले आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताएगा भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल प्रेजेंट है कि ट्रिपल प्रेजेंट है ना। अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन लगता है, डबल प्रेजेंट है तो ईन लगता है। देखो, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन लगेगा, डबल प्रेजेंट है तो ईन लगेगा, ट्रिपल प्रेजेंट है तो आइन लगेगा, मानते हो। ये चीज़ बताई थी, ये होता है प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं, मानते हो। ये सारा तो हमारी राइट हैंड साइड पे था। वर्ड रूट के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखते थे, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते थे प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स किस लिए यूज़ होता था, प्राइमरी प्रीफिक्स इसलिए यूज़ होता था भी जो कंपाउंड है क्या वो एक साइक्लिक कंपाउंड है, वो ए साइक्लिक है, तो वही चीज़ आ गई है। अब कंपाउंड हमारा क्या है, साइक्लिक है। अभी तक हमने ए साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग की थी तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लिखते थे। अब साइक्लिक कंपाउंड्स हैं तो एक वर्ड जो कि प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, साइक्लो
अगर कोई भी साइक्लिक रिंग है तो आपने प्राइमरी प्रीफिक्स क्या लगाना है, साइक्लो। एक एक ही साइकिल बन रहा है यहाँ पे, एक ही साइकिल देखने को मिल रहा है, एक ही रिंग देखने को मिल रही है, साइकिल को हम रिंग भी कहते हैं। एक ही रिंग देखने को मिल रही है, एक ही साइकिल देखने को मिल रहा है तो साइक्लो। दो देखने को मिलेगी तो क्या हो जाएगा, दो का हो जाएगा, तीन का हो जाएगा, बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। तो वो आपको केसेस में सारे बताऊंगी, बाईसाइक्लो के भी बताऊंगी जब दो रिंग्स होंगी, तीन होंगी तो ट्राईसाइक्लो के भी बताऊंगी, वो सब हम कंसीडर करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, याद है। प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, भी अगर कोई साइड चेन प्रेजेंट है तो पहले उसे लिखना है। तो अगर किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करनी है, शुरू कहाँ से करना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखोगे, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स लिखोगे, फिर वर्ड रूट लिखोगे, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। अब आपके सामने मैंने डायग्राम तो ऑलरेडी बना ही दी है, इसका इस डायग्राम का मैं बोलती हूँ भी आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लिखिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है पेरेंट चेन के अलावा कोई साइड चेन का प्रेजेंट होना। पेरेंट चेन क्या हो सकती है, इसको कार्बन को नंबरिंग दे, 1, 2 और 3, तीन ही कार्बन है, यही भी हमारी मेन पेरेंट चेन कहलाएगी, राइट। तो यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स तो नहीं है। अब आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, भी आपका जो कंपाउंड है क्या वो साइक्लिक है या वो एसाइक्लिक है। तो खुद सोचो, ये साइकिल बना रहा है, खुला तो नहीं है ना, जो फर्स्ट कार्बन यहाँ से शुरू हुए तो वापस हम फर्स्ट से ही अटैच हो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड से जुड़ा, सेकंड थर्ड से जुड़ा, फिर से थर्ड फर्स्ट से जुड़ा। लेकिन ओपन वाले में ऐसा नहीं था, फर्स्ट सेकंड से जुड़ा, सेकंड थर्ड से जुड़ा, बस यहाँ फर्स्ट थर्ड से नहीं जुड़ा, तो ये साइक्लिक नहीं, ये साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब एक वापस जहाँ से शुरू हुए वहीं पर वापस आना, राइट। तो अब आप ये देखिए, ये साइक्लिक है तो क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा, साइक्लो। एक ही है इसीलिए साइक्लो यूज़ किया जाएगा, एक ही रिंग है तो हम पहले लगाएंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, हमने लगा दिया साइक्लो। अब हमारा क्या आता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, भी कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है किस में, पेरेंट चेन में। अब ये हमेशा याद रखिएगा, पेरेंट चेन हमारी मेन चेन होती है, पेरेंट चेन ये 1, 2, 3, तीन कार्बन स्टूडेंट्स प्रेजेंट है तो प्रॉप यूज होगा, वर्ड रूट क्या यूज होगा, प्रॉप यूज होगा। अब क्या आता है, हमने लगाना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, भी अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एन लगाओ, डबल प्रेजेंट है तो ईन लगाओ, और ट्रिपल प्रेजेंट है तो आइन लगाओ। तो मुझे बताओ यहाँ क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड ही है तीनों में, देखो तो ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब हमने प्राइमरी सफिक्स क्या लगा दिया, एन लगा दिया। सेकेंडरी सफिक्स के इसमें कुछ प्रेजेंट है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, कोई फंक्शनल ग्रुप का प्रेजेंट होना। क्या यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, यहाँ तो सिर्फ तीन कार्बन ही है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है, सिंपल था। दोबारा से बताती हूँ मैंने क्या किया, पहले मैंने आपको डिफरेंस बताया बिटवीन साइक्लिक एंड एसाइक्लिक। साइक्लिक का बता चुकी हूँ, ये एसाइक्लिक का एग्जांपल बताया। फिर मैंने बताया भी अगर हमें कोई भी नेमिंग करनी है तो एक फॉर्मूला जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में बोलती आ रही हूँ वो क्या है, पहले लिखेंगे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, कोई साइड चेन होना। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लिक है या एसाइक्लिक है उसका लिखना, ठीक है। वर्ड रूट क्या होता है, भी कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है पेरेंट चेन में, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, कौन सा है, अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा है। और सेकेंडरी सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए। पहला एग्जांपल मैं आपको करवा चुकी हूँ हमारी साइक्लो एल्केन का, स्टूडेंट्स अब आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट करोगे। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं क्या करने वाली हूँ, एक एग्जाम्पल मैं लिखूंगी, उतने में मैं दूसरा ड्रॉ करूंगी, और आपने करना है उसकी नेमिंग करनी है। नेमिंग का रूल आपको बता दिया मैंने, रूल ऐसे लिखे रहने देते हैं हम, रूल ऐसे ऊपर लिखे रहने देते हैं, नीचे कंपाउंड्स बना लेते हैं, राइट, या फिर इसे साइड पे लिख देते हैं। चलो अब आप फटाफट से देखो, जब भी मैं कुछ इरेज कर रही हूँ आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, अभी आपने वो टाइम वेस्ट ना करके जो मैंने आपको पढ़ाया उसे फटाफट से क्विक रिविजन लो, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपके सामने डायग्राम बना रही हूँ यही रहा। सो यस स्टूडेंट्स, फटाफट से क्या कीजिए, रूल को अपनी कॉपी में साइड पे लिख लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ, देखो मैं यहाँ पर नोट कर रही हूँ। फटाफट से आप लोग इसे ड्रॉ करोगे, ये अभी थोड़ा वेट है तो मैं आपको बता दूँ, मैं स्क्वायर बना रही हूँ, ठीक है, स्क्वायर है और सारों में सिंगल बॉन्ड है, किसी में भी डबल बॉन्ड नहीं है। हम साइक्लो एल्केन्स पढ़ रहे हैं, एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता। तो मैंने सेकेंड वाला यहाँ बना दिए, थर्ड वाला मैं बनाने लगी हूँ हमारा स्ट्रक्चर। आप लोग इतने में नेमिंग करेंगे फिर हम मैच करेंगे, राइट। थर्ड बना दिया मैंने, फोर्थ बना रही हूँ मैं यहाँ पर,
फिफ्थ है ये, हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर बन गया। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, करें क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मैंने आपको क्या बोला, फॉर्मूला साइड पे लिख लीजिए। फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको कहीं पर लिख देती हूँ, मैं ऊपर ही लिख देती हूँ। फॉर्मूला पहले हमने लिखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, फिर लिखना है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर हमने लिखना है वर्ड रूट, फिर हमने लिखना है प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। अब देखिए मैंने जो डायग्राम बनाई है, सबसे पहले चीज़ हमें लिखना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या इसमें कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है? सेकेंडरी प्रीफिक्स होती है साइड चेन, या साइड चेन नहीं है, पहले तो नंबरिंग दे दो, कोई कहीं से भी शुरू कर लो, एक ही बात है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो 1, 2, 3, 4 हमने ऐसे इसका नंबरिंग कर दी। अब हमें प्राइमरी प्रीफिक्स बताना है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? अभी साइक्लिक है या ए साइक्लिक? तो ये साइक्लिक है क्योंकि साइकिल बनता है, तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे? साइक्लो। तो क्या लिखेंगे हम? साइक्लो। आगे क्या आता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट होता है अभी कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम्स है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये ब्यूट हो जाएगा। चार के लिए ब्यूट यूज़ करते हैं। अब आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? भी सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना, अनसैचुरेटेड मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सब में, तो क्या लगेगा? एन लग जाएगा प्राइमरी सफिक्स। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स लगेगा? नहीं, क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें भी हमने क्या करना है? नंबरिंग करनी है, कहीं से भी कर दो। 1, 2, 3, 4, 5 हमने कार्बन एटम्स को नंबर दे दिए हैं, 5 कार्बन एटम है। अब बताइए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? भी अगर कोई साइड चेन हो, क्या यहाँ कोई साइड चेन है? नहीं है। सेकेंड चीज़ आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है भी साइक्लिक है, ए साइक्लिक, तो ये साइक्लिक है तो हम यूज़ करेंगे साइक्लो। आगे देखिए क्या है? वर्ड रूट। वर्ड रूट होता है भी कितने कार्बन प्रेजेंट है? 1, 2, 3, 4, 5 प्रेजेंट है। 5 के लिए वर्ड रूट होता है पेंट। 5 के लिए क्या होता है? पेंट। अब आगे क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है भी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या अब हमारा प्राइमरी सफिक्स यूज़ होगा? एन यूज़ होगा। अब बताइए कि यहाँ सेकेंडरी सफिक्स यूज़ होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप के लिए होता है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। इसका नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। अब आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? हमने फिर से क्या करना है? कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पहले हमने कार्बन एटम्स की नंबरिंग कर दी। अब आता है भी यहाँ पर कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स है या नहीं है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? दोबारा बोल रही हूँ, साइड चेन के लिए होता है, तो वो होगा ही नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स आता है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? भी साइक्लिक है, ए साइक्लिक, तो ये साइक्लिक है, तो हम यूज़ करेंगे साइक्लो। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या आती है? वर्ड रूट। वर्ड रूट होता है कितने कार्बन एटम्स हैं। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 6 कार्बन एटम्स हैं, तो क्या वर्ड रूट होता है 6 के लिए? हेक्स होता है। आगे देखिए, अब आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है भी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, डबल है तो ईन लगेगा, ट्रिपल है तो आइन लगेगा। यहाँ सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा? एन लग जाएगा। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर कोई सेकेंडरी सफिक्स है? नहीं, यहाँ सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स हमेशा फंक्शन ग्रुप के लिए यूज होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। क्लियर है? अब इस पे आते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 8 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर क्या करना होता है बच्चों? हमें इसके अंदर ये देखना है भी यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स है या नहीं है। तो यहाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो होती है साइड चेन। ये तो खुद ही पेरेंट चेन है, मतलब मेन चेन है। साइड चेन मतलब कुछ एक्स्ट्रा उस पर प्रेजेंट होना, तो वो नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? भी वो साइक्लिक है, ए साइक्लिक, तो ये साइक्लिक है, तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं? साइक्लो। अब आगे क्या हमने यहाँ पे यूज़ करना है? वर्ड रूट। वर्ड रूट होता है भी कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 के लिए वर्ड रूट यूज़ करते हैं ऑक्ट। क्या यूज़ करते हैं? ऑक्ट। अब आगे क्या आता है हमारा? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है भी वो सैचुरेटेड है या वो अनसैचुरेटेड है। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है सब में, तो क्या यूज़ करेंगे हम प्राइमरी सफिक्स को? एन।
अब सेकेंडरी सफिक्स है यहाँ पर कोई प्रेजेंट नहीं है क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोऑक्टेन। ठीक है, तो होपफुली आपको ये जो पांच मैंने क्वेश्चंस करवाई ये क्लियर हो चुके होंगे, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको करवाने लगी हूँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये फिफ्थ तक था, अब यहाँ पर देख रहे हैं हम जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है। होपफुली सेकेंड क्वेश्चन सबने नोट कर लिया होगा, सेकेंड और थर्ड, मैं अभी सिर्फ सेकेंड और थर्ड ही रेज कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ, आप उसकी नेमिंग करेंगे। बस आपने फॉर्मूला को याद रखना है और वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, भी साइक्लिक है तो साइक्लो यूज़ होगा, नहीं तो कुछ और यूज़ होगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा सिक्स्थ, देखिए क्या है क्वेश्चन सिक्स्थ। अब इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैं बताती हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं और वो आपने गलती नहीं करनी है। देखो यहाँ पर मैं आपसे पूछूं भी एक रिंग है या दो रिंग है, तो आप क्या बोलोगे? कई बच्चे कहते हैं दो रिंग है। नहीं, रिंग क्या होता है या साइकिल क्या होता है, जहाँ से शुरू हो रहे हो वहीं पर ख़त्म हो रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ से शुरू हो रही हूँ तो यहाँ पर आई और वापस आकर यहीं पर ख़त्म हो गई, तो ये एक ही साइकिल है। दो साइकिल कब होंगे, जब इसमें बीच में डंडी होगी, भी यहाँ से शुरू हुए थे और ऐसे वापस आ गए। ठीक है, तो ये एक ही रिंग है। अब स्टूडेंट्स पता क्या है, इसके अंदर हमें एक और क्वेश्चन पहले नोट करवा देते हैं, फिर इकट्ठे ही करेंगे सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको नोट करवाए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर देखिए, सबसे पहला काम होता है नंबरिंग करना, कहीं से भी शुरू कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने नंबरिंग कर दी, अब पहला काम है सेकेंडरी प्रीफिक्स देखना। सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है भी अगर कोई साइड चेन है, तो यहाँ कोई साइड चेन ही है, पेरेंट चेन है, 10 कार्बन आइटम्स की है। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है भी साइक्लिक है, ए साइक्लिक, तो ये साइक्लिक है तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे साइक्लो। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट होता है कितने कार्बन आइटम्स, तो 10 हैं। 10 के लिए मैंने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, 10 के लिए मैंने बोला था डेकेन यूज़ करते हैं, 10 के लिए डेकेन होता है, 11 के लिए अनडेक होता है, फिर डूडेक ऐसे होता है ना, तो यहाँ क्या लग जाएगा, डेक हो जाएगा, है ना। डेकेन मतलब कि सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंट होना, जो कि हमारी क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, डेकेन। क्या नेम हो जाएगा इसका, साइक्लोडेकेन। क्लियर है। अब यही देखिए यहाँ पर भी एक हमारे पास क्या है, हमें एक साइक्लिक रिंग देखने को मिल रही है, तो इसकी नंबरिंग करते हैं। अब यहाँ पर 12 कार्बन एटम्स है, सबसे पहले काम प्राइमरी प्रीफिक्स लिखेंगे, क्या होगा, साइक्लो। साइक्लो के बाद हमें वर्ड रूट देखना है, 12 है तो क्या हो जाएगा, डोडेक। अब आगे क्या लगाना होता है हमें, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स से भी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोडोडेकेन, साइक्लोडोडेकेन हो जाएगा। तो ये तो सिंपल थे जिन पे अभी तक हमें कोई मतलब साइड चेन नहीं देखने को मिल रही थी। अब जो मैं कंपाउंड आपको करवाने वाली हूँ ना, उसमें साइड चेन आएगी, तो फटाफट से इसको, इन दो क्वेश्चंस को नोट कीजिए। टिल देन मैं फोर्थ और फिफ्थ क्या कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने सिक्स्थ क्वेश्चन भी लिख लिया होगा। ओके, तो देखिए अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उनके अंदर क्या होता था, उनके अंदर कोई साइड चेन नहीं आ रही थी, इस वजह से हम मतलब उसका वो नहीं लिखते थे, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं लिखते थे, सीधा हम क्या करते थे, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते थे, क्योंकि कोई साइड चेन नहीं है। अब जो क्वेश्चन हम करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर एट्थ जो है हमारा, उसके अंदर क्या है, हमें देखने को मिल रहा है भी एक साइड चेन है। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन बनाती हूँ, ट्राइंगल बनाना है आप सबने पहले, ठीक है, ट्राइंगल बनाना है और उसके ऊपर ऐसे एक लाइन, ठीक है, टिल देन बाकी सूखता है और हम इसे ही करते हैं। देखिए अब क्या होता है स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को पहले मैं आपको ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है इसको खोल के दिखाती हूँ, कई बच्चे कहेंगे इसका मतलब क्या है, तो देखो हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाया और उसके ऊपर एक लाइन बनाई। मैंने आपको क्या बोला, कॉर्नर का मतलब होता है भी यहाँ कार्बन एटम, तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ पे भी एक कार्बन है, इसमें चार कार्बन एटम प्रेजेंट है। पेरेंट चेन कौन सी होगी, रिंग वाली,
ये हमारी क्या पेरेंट चेन, पेरेंट चेन हम हमेशा उसे लेंगे जिसके अंदर ज़्यादा कार्बन एटम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ ज़्यादा कार्बन एटम्स रिंग के अंदर हैं तो पेरेंट चेन ये होगी। अब नंबरिंग कैसे शुरू करेंगे खुद सोच के देखिए, इसका मतलब ये बस हाइड्रोजन तो आप लगा ही लोगे ना, तो मतलब यहाँ पर चार कार्बन एटम्स हैं, नंबरिंग कहाँ से होगी, इसके ऊपर लगा हुआ है ना मिथाइल ग्रुप, इसका मतलब क्या है CH3 लगा है इस कार्बन के ऊपर, है ना। तो इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ तो इसको 1 नंबर देंगे, फिर 2 इसे दे दो, 3 इसे दे दो, समझ पा रहे हो। अब फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, कोई साइड चेन होना, फर्स्ट पोजीशन पर ये साइड चेन है, कार्बन लगा हुआ है, यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था हम इसे क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं CH3 वाले को। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होगा, किस पोजीशन पे, फर्स्ट पे 1 मिथाइल, अब क्या लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, हमारी क्या रिंग प्रेजेंट है और ये क्या पेरेंट चेन में, तो क्या यूज़ होगा साइक्लो। अब आगे देखिए, फिर आगे क्या है, वर्ड रूट भी कितने कार्बन है। अब आपने पेरेंट चेन के कार्बन गिनने हैं, कहीं आप साइड चेन गिन लो, नहीं, साइड चेन को तो हमने लिख दिया 1 मिथाइल, एक कार्बन को मिथ बोलते हैं, है ना। और जब CH4 में से एक हाइड्रोजन जोड़ के हम बॉन्ड बना दे तो मिथाइल हो जाता है, तो ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स ऑलरेडी हो गया। अब कितने कार्बन है, पेरेंट चेन कौन सी होती है, मेन चेन में मैक्सिमम कार्बन है 3, फर्स्ट पोजीशन पे था मिथाइल ग्रुप, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 3, तो 3 के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रॉप यूज़ करते हैं, क्या होगा साइक्लो प्रॉप। अब आगे क्या लगाएंगे हम, प्राइमरी सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है सब में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एम यूज़ करेंगे। अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स होता है भी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH हो गया, COOH हो गया, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, ये सब, तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब मैं 9th क्वेश्चन यहाँ लिखूंगी, टिल दिन इसे रेज करूंगी और आपने 9th क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करना है। तो देखिए आपका 9th वाला क्या है, अब यहाँ 2 साइड चेन लगी हुई हैं, फटाफट से इसको कीजिए, मैं टिल दिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करती हूँ, इरेज करती हूँ। एट क्वेश्चन होपफुली आपने कर लिया होगा, तो इसको भी मैं इरेज कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को तब तक सॉल्व कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, करें ये क्वेश्चन, देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है। अब आपको कि मैम यहाँ से करें यहाँ से करें, देखो आपने क्या करना है, वहाँ से करोगे जहाँ पर आपको साइड चेन पास पड़ती है, इधर भी पड़ रही है इधर भी पड़ रही है, कहीं से कर लो। तो ये 1 2 3 ये हो गया, 3 कार्बन एटम है, इसको वैसे नॉर्मल बना के दिखाऊँ, ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है, और इस पर लगा हुआ है CH3, इस पर भी लगा हुआ है CH3, ये क्या है CH CH CH2, ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। आपको 2 साइड चेन CH3 देखने को मिल रही हैं। अब ये किस पोजीशन पर हमें देखने को मिल रही है, फर्स्ट और सेकंड पे, पहले लगाएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है भी अगर कोई साइड चेन है, तो 2 साइड चेन है यहाँ पर, तो हम इसे कहें किस पोजीशन पे, 1, 2, मैंने बोला था नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमा आएगा, तो 1, 2, अब डंडी लगाएंगे डाई क्यों यूज़ किया, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, एक इधर और एक इधर, इसलिए डाई मिथाइल। अब क्या लगाएंगे हम, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है भी साइक्लिक है, ए साइक्लिक है, तो ये साइकिल बन रहा है, तो क्या यूज़ करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स को हम, साइक्लो, है ना। अब आता है वर्ड रूट होता है कितने कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है, तो 1 2 3, मेन चेन तो यही है ना रिंग वाली 3, तो 3 को क्या बोलते हैं, प्रॉप। अब क्या आता है हमारा प्राइमरी सफिक्स होता है भी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सब में सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अब हमारा क्वेश्चन आता है भी सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, तो सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए तो वो लगेगा नहीं, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1,2-dimethylcyclopropane, ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या, डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर 10th क्वेश्चन ड्रॉ कर रही हूँ, टिल देन आप इसे नोट कीजिए। टेंथ क्वेश्चन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, 11th एंड 12th भी मैं यहाँ पर बना रही हूँ।
हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए 10th क्वेश्चन जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, नेमिंग करनी है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कार्बन एटम्स को मेंशन करना है। पेरेंट चेन कौन सी होगी, हमारी रिंग वाली होगी, क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं, और जो ऊपर वाला होगा वो हमारा साइड चेन कहलाएगा। तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे या यहाँ से, यहाँ से करेंगे, क्योंकि इस पर साइड चेन लगी हुई है, जहाँ से पास होती है वहीं से करनी है। तो 1, 2, 3 हमने कार्बन एटम्स को नंबरिंग दे दी। अब ये हमारी पेरेंट चेन है और इस पर हमें 2 मिथाइल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे देखने को मिल रहे हैं, 2 देखने को मिल रहे हैं ना। इसका कॉर्नर का मतलब क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होना। इस कॉर्बन का मतलब कॉर्नर का मतलब क्या होता है, कार्बन एटम का प्रेजेंट होना। तो यहाँ 2 कार्बन एटम है, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं। देखो एक कार्बन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है, कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है, तो मतलब 3 हाइड्रोजन लगेंगे ना, CH3 मिथाइल ग्रुप ही होता है, तो वही बात कर रही हूँ। अब हमें सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है हमारा, भी अगर कोई साइड चेन है तो साइड चेन यहाँ 2 है और वो फर्स्ट पोजिशन पर है, तो क्या लिखेंगे, 1, 1 डाई मिथाइल, मतलब भी फर्स्ट पर हमें 2 मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं। आगे प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है हमारा भी साइक्लिक है, ए साइक्लिक, तो ये पेरेंट चेन हमारी साइक्लिक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, साइक्लो। फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वर्ड रूट। 3 कार्बन एटम की हमारी पेरेंट चेन है, तो हम यूज़ करेंगे प्रॉप 3 के लिए। अब हम लगाते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा। अब आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स होता है भी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-1 डाई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। क्लियर है। अब देखते हैं 11th वाला क्वेश्चन, फटाफट से इसको नोट कीजिए। देखिए 11th वाले क्वेश्चन में भी सेम, हमें पहले कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है। गिनते हैं, देखो साइड चेन पे अब कितने लगे हैं, 1 और 2 कार्बन एटम्स, और मेन चेन में हमारे कितने हैं, देखो 1, 2, 3। तो ज़्यादा किस में है, पेरेंट चेन वही होगी जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, तो इसमें है, तो ये पेरेंट चेन और ये साइड चेन है। अब साइड चेन 2 कार्बन एटम्स की है, 2 कार्बन वाले को कहते हैं इथ कहते थे, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, इथेन वाले को अगर साइड चेन में लगाते हैं तो इथाइल हो जाता है ना। तो अब देखो फर्स्ट पोजिशन पर इथाइल ग्रुप लगा है, तो क्या लिखेंगे, 1-ethyl, हमारा ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब लगाएंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है भी साइक्लिक है, ए साइक्लिक है, तो ये साइकिल बन रहा है, तो क्या आ जाएगा, साइक्लो। अब आते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, कितने कार्बन एटम है, तो 3 है पेरेंट चेन में, हमेशा पेरेंट चेन के गिनने के, टोटल 5 गिन दो, नहीं, पेरेंट चेन में 3 है तो प्रॉप हो जाएगा। अब आगे क्या आता है हमारा, हमारा आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है अभी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। और सेकेंडरी सफिक्स होता नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 1-ethyl साइक्लोप्रोपेन, इसका क्या नाम हो जाएगा, 1-ethyl साइक्लोप्रोपेन। अब हम करते हैं और क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन तक आपने लिख लिया, मैं ये क्वेश्चन इधर वाले इरेज कर रही हूँ दोनों। होपफुली आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो जो आप क्वेश्चन है ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, मेरा 12th क्वेश्चन मैं यहाँ इसे ड्रॉ कर रही हूँ, या आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसको कमेंट करना है। नहीं ये नहीं, चलो इसके अगले वाला करेंगे, ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, ठीक है। 12th और 13th मैं खुद करवा रही हूँ, एक बार इसको पहले देखते हैं, फिर हम और कोई आगे लिख लेंगे। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ओके, तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्या सिस्टम है, मैंने ये क्या डायग्राम बनाया, मैंने आपको बोला था भी आपने जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं उसको पेरेंट चेन लेनी है। यहाँ साइकिल में हमारे पास 3 थे और ऊपर 2 थे, तो 3 ज़्यादा, तो ये पेरेंट चेन है। अब आपके पास अगर ऐसा केस आ जाए भी साइकिल में 1, 2, 3 है और बाहर कितने हैं, 1, 2, 3, तो किसको लोगे, तो भी आप रिंग को ही लोगे। जब ऐसा होता है भी सेम हो जाते हैं, तो आपकी जो पेरेंट चेन है वो तब भी हमारी क्या होगी, रिंग ही होगी। तो अब अगर इसकी नेमिंग मुझे करनी है, तो फर्स्ट पोजीशन पर मुझे 3 कार्बन एटम्स का देखने को मिल रहा है, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा। 1-propyl या सिंपल प्रोपाइल भी लिख सकते हो, फर्स्ट पोजीशन वाले को मेंशन नहीं करना पड़ता, सिंपल प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, 1-propyl। अब हमें क्या लिखना होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है भी साइक्लिक है, ए साइक्लिक है, तो ये साइक्लिक है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे साइक्लो। अब हमने वर्ड रूट लगाना है, वर्ड रूट होता है भी कितने कार्बन एटम्स की पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन 3 कार्बन एटम्स की है, 3 के लिए यूज़ करते हैं प्रॉप,
उसके बाद हमने क्या लगाना होता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स होता है भी सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, वन प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। जब इक्वल है तो भी आपने रिंग को ही लेना है पेरेंट चेन। अब अगर ऐसा हो जाए भी साइड चेन में तो कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं, 1, 2, 3, 4, और पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स है देखो, 1, 2, 3 हैं। तो हम किसको पेरेंट चेन लेते, मतलब रिंग में कितने, 3 हैं और साइड चेन में 4 हैं। तो हमारी जो पेरेंट चेन होगी ना हमारी, वो ये होगी ना कि ये फिर हमारी साइड चेन कहलाएगी। ये हमारी फिर क्या कहलाएगी, साइड चेन। अब किस पोजीशन पर साइड चेन लगी है, ये कब होगा, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग से ज़्यादा होंगे, तो रिंग को हम साइड चेन लेंगे और दूसरे वाले को पेरेंट चेन। याद है ना लॉन्गेस्ट चेन रूल बताया था, अभी सबसे ज़्यादा कार्बन एटम्स वालों के ही लेने हैं। तो यहाँ 4 एटम्स है तो ये हमारी पेरेंट चेन है। अब पेरेंट चेन पे फर्स्ट पोजीशन पर हमारी क्या लगी हुई है, साइड चेन। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, भी कोई साइड चेन होना, तो फर्स्ट पोजीशन पर साइड चेन है, पहले लिखेंगे 1 फिर लिखेंगे डैश। अब क्या है साइड चेन का नाम कैसे लिखते हैं, अब इसकी नेमिंग करो, उस सबको भूल जाओ, इसकी नेमिंग करो, क्या होगा, साइक्लो। वर्ड रूट क्या होता है, प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लो, हम क्या बोलेंगे इसका, 1 साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे, प्रोपेन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अटैच्ड है ना। जब भी साइड चेन लिखते हैं आप क्या लिखते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो ऐसे लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल। अब क्या है, कितने मतलब कार्बन एटम्स की हमारी पेरेंट चेन की नेमिंग करेंगे, कितने कार्बन एटम्स हैं, 4 है। 4 के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ब्यूट। उसके बाद हमने क्या, देखो उसके बाद क्या लगाना है, हमने प्राइमरी सफिक्स। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, मैम ये जो 1 साइक्लोप्रोपाइल है ये साइड चेन है, साइड चेन के बाद प्राइमरी प्रीफिक्स आता है, तो ये पेरेंट चेन तो साइकिल नहीं है ना, तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा, सीधा वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट क्या है, ब्यूट। ब्यूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है, देखो पेरेंट चेन, पेरेंट चेन ये वाली है, तो एन लग जाएगा, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। दोबारा से बताती हूँ, यहाँ पर क्या था, पेरेंट चेन जो है उसमें कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं, मतलब जो ओपन चेन है उसमें कार्बन एटम्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोज चेन। क्लोज चेन में 3 थे, ओपन वाले में 4 थे, तो 4 वाले को पेरेंट चेन लेंगे। अब इस पेरेंट चेन की फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट कार्बन पर हमने क्या लगा रखा है, एक साइक्लिक रिंग है, तो सबसे पहले हमने साइड चेन की नेमिंग करनी होती है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, साइड चेन। साइड चेन क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। फर्स्ट पे लगाया तो 1 साइक्लोप्रोपाइल। अब आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स इसका लगाना है, पेरेंट चेन ही है हमारी, तो इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स है ही नहीं क्योंकि ये ओपन चेन है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब आएगा वर्ड रूट, भी कितने कार्बन के, 4 हैं, तो हम लगाएंगे ब्यूट, और फिर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नेम हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको करवाने लगी हूँ 14th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन को हम क्या करने लगे हैं, इरेज करने लगे हैं, फटाफट से इन दोनों को नोट कर लीजिए। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। सबसे पहले हमें काम क्या है, अभी हमें कार्बन एटम्स देखने हैं रिंग में, और वैसे जो हमारे पास मतलब ओपन चेन है उसमें, तो रिंग में कितने हैं, 1, 2, 3 हैं, और जो ऊपर ओपन चेन है इसमें भी काउंट कर लेते हैं कितने हैं, तो इसमें 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स, और सेकेंड पर क्लोरीन लगा। अब मैंने आपको बोला था, अभी अगर आपको सेम कार्बन एटम्स देखने को मिलते हैं रिंग में और ओपन चेन में, तो आप रिंग को कंसीडर करोगे, लेकिन यहाँ पर ओपन चेन में सेकंड पोजीशन पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम कंसीडर किसको करेंगे एज अ पेरेंट चेन, ओपन चेन वाले को करेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी पेरेंट चेन कहलाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड चेन हो जाएगा। तो जब भी हमें नेमिंग करनी है, तो नेमिंग में हम बोलते हैं अभी सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है कोई साइड चेन, तो 2 साइड चेन है देखो, एक तो क्लोरीन है और एक हमारा ये साइक्लिक ग्रुप है। तो आप खुद देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सी एच पहले आता है, और सी साइक्लो का सी वाई बाद में आता है ना, दोनों का सी सी तो कॉमन है, फिर एच और वाई में से अल्फाबेटिकली एच पहले आता है, तो क्लोरीन को पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर पर हमें क्लोरीन देखने को मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। अब कितने नंबर पर हमें साइक्लिक रिंग है, फर्स्ट पे, तो हम लिखेंगे 1 डैश। अब क्या है ये, पहले इसकी अलग से नेमिंग करेंगे, अलग से नेमिंग क्या होती है, अभी साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लो, और वर्ड रूट क्या होएगा इसका, 3 कार्बन एटम है तो प्रोपाइल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल। अब आप मेन चेन की नेमिंग करेंगे, मेन चेन हमारी ये वाली है, 3 कार्बन एटम्स की है, ठीक है, और आप देखो इसमें वर्ड रूट क्या होगा, 3 के लिए वर्ड रूट हम 3 के लिए यूज़ करते हैं, प्रोप, और हम आगे क्या लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, ये क्या है, 2 क्लोरो 1 साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। ठीक है,
होपफुली आपको समझ आ चुका होगा इसमें हमने क्या किया था। अभी दोनों में हमें चाहे वो रिंग है चाहे वो ओपन चेन है, तीन तीन कार्बन थे। तो पहले तो मैंने आपको बोला था भी अगर सेम कार्बन होते तो रिंग को लेना होता है, लेकिन अगर कोई साइड चेन आपको ओपन में देखने को मिल गया तो उसको पेरेंट चेन लो। तो इसको हमने पेरेंट चेन ले लिया क्योंकि इस पर क्लोरीन भी लगा हुआ है। अब सेकेंड पोजिशन पर क्लोरीन है और एक तरफ फर्स्ट पोजिशन पर साइक्लिक ग्रुप है। तो क्लोरीन अल्फाबेटिकली इसको पहले नेमिंग करेंगे तो जगह टू क्लोरो वन साइक्लो प्रोपाइल, क्योंकि तीन कार्बन आइटम्स का है, और फिर पेरेंट चेन की नेमिंग करेंगे तो तीन कार्बन आइटम ही हैं तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन में भी हमने पहले क्या करना है, कार्बन आइटम्स चेक करते हैं भी पेरेंट चेन कौन सी होगी। तो साइक्लिक वाले के अंदर तो तीन कार्बन है और ऊपर वाले के अंदर देख लेते हैं 1, 2, 3, 4। अब आपको यहाँ से 1, 2 क्यों नहीं किया, जहाँ से आपको पास पड़ती है ब्रांचिंग 1, 2 सेकेंड पोजीशन यहाँ से पास पड़ती है, यहाँ से तो थर्ड होगी तो यहाँ से नंबरिंग करी। अब चार कार्बन ऊपर है तीन नीचे है, ज़्यादा कौन सा बड़ा है, चार, तो हमारी पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी, हमारी ये पेरेंट चेन हो जाएगी। अब इस पेरेंट चेन पर सेकेंड पोजिशन पर साइक्लिक ग्रुप रखा है तो पहले हम साइड चेन की नेमिंग करते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, साइड चेन। सेकेंड पोजिशन पर है तो लिखेंगे 2-साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लो क्यों, क्योंकि साइक्लिक रिंग है, प्रोपाइल क्यों, क्योंकि तीन कार्बन एटम है। अब आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, पेरेंट चेन जो है ओपन है तो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा नहीं। फिर आता है वर्ड रूट, चार कार्बन एटम है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। तो क्या नेमिंग हो जाएगी इसकी, 2-साइक्लोप्रोपाइल-ब्यूटेन, 2-साइक्लोप्रोपाइल-ब्यूटेन। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब आगे देखो 16th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपने क्या करना है, पहले नंबरिंग चेक करनी है। तो 1, 2 और 3 तो हमारा क्या है, नीचे रिंग की नंबरिंग है, ऊपर वाले की देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 तो ऊपर वाला हमारा क्या कहलाएगा, हमारा पेरेंट चेन कहलाएगा और नीचे वाला हमारा रिंग होगा। तो 16th क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको इतना तो बता दिया पेरेंट चेन कौन सी है हमारी, ये आपका एज अ होमवर्क है 16th वाला। ये आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे इसका आंसर कमेंट करना है भी इसका नेम क्या होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 14, 15 को नोट कीजिए, 16th क्वेश्चन को एज अ होमवर्क नोट कीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 17 और 18। होपफुली आपने 16th एज अ होमवर्क कर लिया होगा। अब देखिए 17th क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो रिंग्स हैं अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, बट आप ये देखिए ये दो रिंग्स डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये रिंग्स डायरेक्टली अटैच नहीं है। इसमें क्या है, अभी जैसे ये अगर मैं कहूँगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये वाली जो रिंग है ये 6 मेंबर्ड है, और इधर फर्स्ट वाले पे साइड चेन लगी हुई है, ये नहीं भी एक रिंग दूसरे से अटैच है, नहीं, साइड चेन के तौर पर अटैच है ना। तो ये कितने की है, 1, 2 और 3, तो मुझे बताओ 3 वाली ज़्यादा होंगी या 6 वाली, ऑब्वियसली 6 वाली क्योंकि ये ज़्यादा नंबर में है, तो ये हमारी पेरेंट चेन होगी। अब ये साइड चेन है तो पहले साइड चेन की हम नेमिंग करेंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, कोई साइड चेन होना, ये साइड चेन है, इसकी क्या नेमिंग होगी, इसके फर्स्ट पोजिशन पर है पेरेंट चेन के तो 1-साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक है और तीन कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। अब देखो ये क्या है, अब हमने पेरेंट चेन की नेमिंग करनी है, पेरेंट चेन में प्राइमरी प्रीफिक्स, पेरेंट चेन भी साइक्लिक है तो क्या आएगा, साइक्लो। आगे देखिए फिर क्या आएगा, हमारा आता है वर्ड रूट, इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ क्योंकि फिर वो पूरा नहीं आता, 1-साइक्लो-प्रोपाइल, ये तो इसकी नेमिंग होगी साइड चेन की। अब हमने पेरेंट चेन की करी तो प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा साइक्लो क्योंकि साइक्लिक रिंग है। वर्ड रूट क्या होता है, अभी कितने कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ कितने कार्बन एटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है तो हेक्स आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। तो क्या नाम हो जाए इसका, 1-साइक्लो-प्रोपाइल-साइक्लो-हेक्सेन। क्लियर है। अब ये देखिए सिमिलरली 18th क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, पहले काउंट करते हैं बीच वाले की, बीच वाली रिंग पे कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है, और साइड वाले पे देखिए तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 ज़्यादा है या 6 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो हमारी जो ये बीच वाली हो जाएगी ये पेरेंट चेन हो जाएगी। और अब आप देखिए इस पेरेंट चेन की फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन पर हमें साइक्लिक रिंग देखने को मिल रही है। तो पहले हम साइड चेन देखने को मिल रही है, तो पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, साइड चेन किस किस पोजीशन पर है, 1, 3, 5। मैंने कहा नंबरिंग के बीच में हमेशा कॉमाज लगाने हैं, तो 1, 3, 5। अब आएगा डैश ट्राई, क्योंकि तीन है, तीन क्या है, तीन है साइक्लोप्रोपाइल, इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपाइल बोलेंगे, है ना। अब हम लिखेंगे हमारी पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, साइक्लो, साइक्लो के बाद क्या आएगा हमारा वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन एटम्स है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। तो क्या नाम हो जाएगा, 1, 3, 5 ट्राई साइक्लोप्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स।
तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को हम नोट करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 क्या है। अब आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर बताइए, बी पहले आता है, सी पहले आता है, ऑब्वियसली बी, तो ब्रोमो पहले आएगा, क्लोरीन बाद में आएगा। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करें या यहाँ से करें? ऑब्वियसली मैंने क्या बोला, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ब्रोमीन से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अब मेरे को बताइए, यहाँ पर दो साइड चेन है, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन, अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है, तो देखिए पहले साइड चेन लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, 1 ब्रोमो क्योंकि फर्स्ट पोजिशन पर ब्रोमीन है, 2 पर कौन सा है, क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। फिर अब क्या लिखना है, ये तो हमने लिख दिया साइड चेन, अब आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये मेन चेन साइक्लिक है, तो आएगा साइक्लो। फिर आता है हमारा वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, कितने कार्बन एटम्स की, 6 कार्बन एटम्स की है, हेक्स। और अब आता है भी कौन सा, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स 20th क्वेश्चन पे देखिए, अब कहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ, यहाँ क्लोरीन से 1, 2, 3, 4, नहीं यहाँ से थोड़ी करेंगे, ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पास है, तो अब मैं यहाँ से करती हूँ, इधर जाऊँ मैं कि इधर जाऊँ, इधर जाऊँगी क्योंकि इधर से क्लोरीन पास पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए फर्स्ट पोजिशन पर ब्रोमीन है, 3rd पर क्लोरीन है, 5th पर क्या है, इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन है, तो 3 साइड चेन है, कौन सी, एक ये और एक ये। अब बी सी और ई में से पहले कौन सा आता है, बी आता है, तो क्या आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं इसको, 1 ब्रोमो, फर्स्ट पे ब्रोमीन है, 3rd पे क्लोरीन है, तो 3 क्लोरो, और 5th पे क्या है, 5 इथाइल। अब ये तो क्या साइड चेन, अब इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, ये हमारी पेरेंट चेन साइक्लिक है, तो साइक्लो। कितने कार्बन एटम्स की है, 6 की, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, तो क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नेम हो जाएगा। सो यस स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारी जो नेमिंग है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन्स वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे साइक्लोएल्कीन्स से, वहाँ से शुरू करेंगे साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग। तो ये पार्ट 1 था नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें हमने साइक्लोएल्केन्स को स्टडी किया है। होपफुली आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत मजा आया होगा और क्वेश्चंस भी बने होंगे। एक सजेशन है, अभी वीडियो लेक्चर देखने के बाद, जैसे अगर मान लो सुबह देख रहे हो या शाम को देख रहे हो, तो फिर मतलब आफ्टर 3-4 आवर्स को दोबारा से एक कॉपी पर सारे क्वेश्चंस लिख दो, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं लिखना, ओनली क्वेश्चंस लिख दो, और फिर उसे अटेम्प्ट करके देखो भी क्या आप बिना मेरे मतलब देखे पढ़ के अब खुद से अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं, तो ये ज़रूर ट्राई करना क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिशियल है। बाद में भूलो ना, तो एक बार ऐसे करना भाई, आफ्टर 3-4 आवर्स एक कॉपी पे रफ पेज पे आपने क्वेश्चंस मिक्स करके लिख देना, फर्स्ट को नीचे लिख देना, सेकंड को ऊपर लिख देना, मतलब उल्ट पुलट करके लिख देना, और फिर उसको ट्राई करना, फिर चेक करना कि आपके आंसर सही हैं, ठीक है। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।